सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं स्काउट ने रिएक्ट किया और पबजी मोबाइल इंडिया अपडेट बाय गवर्नमेंट की जो खबर आ रही है उसपे, एंड आपको बता दूं दो तीन खबर और देने वाला हूं। सो यार एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 6000 सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है। सो देख लो स्काउट का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। बताओ लोंडो, और बताओ बाय द वे कुछ ऐसा हल्का फुल्का न्यूज आया है इधर उधर से उड़ते हुए, कुछ आ रहा है वापस? आई एम नॉट श्योर सही है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि नहीं है, बट या तो मुझे बताओ क्या वो न्यूज सही होने वाला है? क्या ये न्यूज हम लोग के लिए सही होने वाला है गाइस? बताओ गाइस, अगर ये न्यूज सही होगा तो भाई क्या करो, फुल रैंडम वापस ग्राइंड चालू फिर से और वॉर। अब बात कर लेते हैं मोबाइल लेजेंड्स के बारे में, तो मोबाइल लेजेंड्स को एक्वायर कर लिया टिकटॉक की पेरेंट कंपनी जो बाइट डांस थी, उसने एक्वायर कर लिया मोबाइल लेजेंड्स को। अब पता नहीं यार मोबाइल लेजेंड्स भी अब इंडिया में अनबैन हो ना हो, इसका कोई अभी मतलब श्योरिटी नहीं आई है। सो अब बात कर लेते हैं फौजी को लेकर के। सो फौजी की जो कंपनी है एनकोर गेम्स, उसके फाउंडर विशाल गोंडल ने गैम्बलिंग गेम्स में कमेंट किया कि भाई अगर तीन बत्ती रमी आरपीजी गेम्स अगर इन चीज़ों को ई स्पोर्ट्स में डाला जाएगा तो ई स्पोर्ट्स को बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिर ई स्पोर्ट्स को ऐसा जुआ गैम्बलिंग ऐप सोचा जाएगा। सो विशाल गोंडल ने कुछ ऐसा मतलब कमेंट पास ऑन किया था, बट इस कमेंट के बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि सेव यूथ बैन फौजी। अब मेरे को तो पता नहीं यार, वैसे विशाल गोंडल ने बात तो सही करी है कि ये तीन बत्ती रमी गेम्स को मतलब ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आखिरी न्यूज के बारे में। सो पबजी ने वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिया है और पबजी अभी इंडिया में बैन है। सो देख लो यार अभी भी क्रेज चल रहा है पबजी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, एक एंड लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट एंड साइनिंग आउट।